मयंक और फिर उसके बाद कल इन्होंने रवाना होना है। प्रेशर तो यकीनन है, आप देखें भारतीय मीडिया ने तो एक इश्तिहार भी बना दिया, एक सरदार जी है और एक पाकिस्तानी है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, वरना पहले वो मौका के ऊपर ऐड भी बनता है, जवाब भी दिया जाता है। और ये जो मौका मौका बार बार सुनाया जाता है ना, मैं तो इस दफा अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि प्लीज 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 ये मैच हमें जरूर जितवा दें। अब जो हाइप क्रिएट कर रहा है इंडियन मीडिया, वो ये जोड़ी को लेकर कर रहा है, हमारी जो फेवरेट भी नहीं होगा, ये जो इतना शोर मचा है ना कि जनाब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें जैसा भी आपको वीडियो लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में इस टॉपिक के बारे में करते हैं कुछ बात। धन्यवाद दोस्तों। हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इनमें से सिलेक्टेड लोग भी हमारे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप की जो तैयारी लग रही है, कल टीम में रवाना होना है यूएई और आइंदा चंद दिनों में जब ट्रेनिंग होगी, तो 24 को भारत से पहला मैच भी है, तो प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा सा इस पर बताइएगा कि कितना प्रेशर लेना चाहिए, वो तो एक नेचुरल बात है होगा। देखिए अबू जर, कल तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आराम किया, आज सिनारियों का एक आपस का मैच खेलेंगे, सिनारियों मैच और फिर उसके बाद कल इन्होंने रवाना होना है। प्रेशर तो यकीनन है, आप देखें भारतीय मीडिया ने तो एक इश्तिहार भी बना दिया, एक सरदार जी है और एक पाकिस्तानी है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, वरना पहले वो मौका मौका का बड़ा मशहूर इश्तिहार उन्होंने बनाया हुआ था। हम लोग भी उन्हें जवाब देते हैं, जब पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होता है तो समझ लीजिए सब हालत जंग में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ाई होने जा रही है, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। हालांकि अभी देखे सीमल, अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन अभी से हाइप बनना शुरू हो गई और मुझे लग रहा है कि जब मैच होगा तो उस दिन तो गलियां और सड़कें सब सुनसान होंगी और सब लोग पाकिस्तान इंडिया का और T20 मैच है वो देख रहे होंगे, लेकिन प्रेशर तो होगा। कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम ने ये वाजे कर दिया कि इनिंग्स जो है वो रिजवान के साथ वो खुद ओपन करेंगे, इसका मतलब है फखर जमान का चांस शुरू में इनिंग ओपन करने का नहीं रहा, शायद उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम पूरी जीत रखती है और भारत की टीम में अगर आप देखें तो शिखर धवन, विराट कोहली, केआर राहुल और उसके अलावा ऋषभ पंत, उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी गुड चांस, अगर ये अच्छा खेले, बिल्कुल दिल लगाकर खेले, अच्छी हो और हमारे दिल लगाकर तो खेलते ही है सीमल, कब ये बगैर दिल लगाए खेलते हैं, क्योंकि तो इनको जीतना चाहिए सर। यहाँ पर एक्स्ट्रा दिल लगाना पड़ेगा, जो इधर उधर दिल लगे हुए हैं ना वो भी ग्राउंड में लाने पड़ेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने एड्स का जिक्र किया तो ठीक ठाक तमाशा लगता है, ये कंपैरिजन जो है ना ये सिर्फ ग्राउंड तक नहीं होता, सोशल मीडिया के ऊपर वॉर्ड्स भी होती है, टॉप ट्रेंड्स भी चलते हैं, एड्स के ऊपर एड भी बनता है, जवाब भी दिया जाता है। और ये जो मौका मौका बार बार सुनाया जाता है ना, मैं तो इस दफा अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि प्लीज 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 ये मैच हमें जरूर जितवा दें। अब जो हाइप क्रिएट कर रहा है इंडियन मीडिया, वो ये जोड़ी को लेकर कर रहा है, हमारी जो फेवरेट है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और फिर आपको पता है कि वो कितना, मैं ये सोच रही हूं कहीं नजर तो नहीं लगा देंगे। नहीं बिल्कुल, बाबर आजम और रिजवान पे बहुत डिपेंड करता है, दिल भी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर में भी होंगे, लेकिन आपको पता है कि 125 अरब की आबादी का मुल्क है भारत, वहां पर मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो कैंपेन तो शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से साइकोलॉजिकली। अब आप देखें सोशल मीडिया पर, इवन मेरे ट्विटर अकाउंट पर जो है भारतीय लिख रहे हैं कि बस तुम्हारी टीम तो ऐसे ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइप बन रही है। और अभी तो टाकरा शुरू हो जाएंगे, कई चैनल्स पे टाकरे शुरू हो जाएंगे कि यहाँ के एक्सपर्ट यहाँ बैठेंगे, भारत के एक्सपर्ट वहां बैठेंगे, और लोगों के लिए ये कमाई का भी जरिया है। दरअसल इस पे जब भी पाकिस्तान भारत का मैच होता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये वायबल होता है, बड़े फवायद होते हैं और बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो दुआ करें, आपने दुआ मांगी हाथ जोड़ के सीमल, तो अल्लाह से दुआ करेंगे इस मर्तबा मौका हमारे पास आए। वर्ल्ड कप भी आमीन, मैं तो आयतल कुर्सियां पढ़ पढ़ के भी फूंकती हूं तमाम प्लेयर्स। मसला ये ना, दुआ तो सिर्फ सभी कर रहे होते हैं, मसला यहाँ पर ये है कि रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा इतने ज्यादा भी प्रेशर ना हमारे प्लेयर्स पे कर दें कि वो फिर रिकॉर्ड में आगे एक और एंट्री कर दें। इसके अलावा आपने थोड़ा जिक्र किया इंडिया का, कि इंडिया की टीम, लेकिन इंडिया के अंदर जो IPL अभी टीम प्लेयर्स के आ रहे हैं IPL में, बहुत ज्यादा तगड़ी मेरा ख्याल है ट्रेनिंग होगी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो वो भी बड़ा पंप अप होंगे, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की टीम अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा, अब इंडिया ने पहले रखे थे 5 स्पिनर्स, अब उन्होंने एक स्पिनर को अक्षर पटेल को बाहर करके उसकी जगह शरदुल ठाकुर जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर है, उन्होंने उनको रखा है, उनकी टीम में 4 स्पिनर्स हैं। अब वो कितने खिलाते हैं
रविचंद्रन अश्विन को वापस ले आए, रविंद्र जडेजा उनकी टीम में शामिल है, तो और एक चकोर भर्ती है वो भी उनकी टीम में शामिल है, चहर उनकी टीम में शामिल है, तो उनकी टीम अच्छी है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें एडवांटेज भी है कि वो वहाँ यूएई की विकेटों से हम मांग हो रहे हैं आईपीएल खेलकर, और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, हमने दो प्रैक्टिस मैचेस खेलने और उसके बाद भारत से मैच खेलना, ये नहीं कि हम डायरेक्ट जाकर भारत से खेलेंगे, तो हमें एडवांटेज होगा, दुआ करें हम अच्छा परफॉर्म करें। T20 तो 3 घंटे की एक फिल्म होती है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, छक्के चौके भी होते हैं, प्रेशर भी होता है, तो देखें पाकिस्तान इस प्रेशर को किस तरह से सस्टेन कर पाता है। जी उम्मीद बहुत अच्छी है और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, एटलीस्ट हमें अपने प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं डालना और हमें उनका साथ देना है, और अगर अच्छा जबरदस्त खेलेंगे तो हम जीतने का फुल पोटेंशियल रखते हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर आमिर रिजवान के ऊपर सिर्फ अगर हम ज्यादा प्रेशर करेंगे इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए तो फिर क्या होता है कि फिर प्रेशर की वजह से प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये बहुत जरूरी है अपनी टीम को लेकर चले 15 क्लैन को करना है। सो अब आपने पूछा था कि कंपैरेटिवली माइंड यू कि इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट, चाहे वो सूर्य कुमार है, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा, एंड दे हैव द फायर पावर। इंग्लैंड इन विकेट्स पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा, क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लियाम लिविंगस्टन की या जो ओयन मॉर्गन की, ऑस्ट्रेलिया अगेन विल स्ट्रगल ऑन दीज पिचेस। आप एक टीम को बहुत अंडर रेट कर रहे हैं, T20 में अगर हसनतुल्ला जज़ई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो दे हैव द बेस्ट स्पिनिंग अटैक इन दिस कॉम्पिटिशन, वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, सो दे आर नॉट ऑल दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रेलेवेंट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में T20 वर्ल्ड कप का पूरी तरह से माहौल बन चुका है, और पाकिस्तान मीडिया मौका मौका के रिएक्शन में बस अब अल्लाह ताला से दुआ पड़ रहा है कि ऐसा कुछ ना हो ये और वो, मतलब आप समझ सकते हो ये एक जनरली क्रिकेट फैंस ऐसा करते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में और भारतीय मीडिया में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो डेफिनेटली इसकी एक बहुत हाइप क्रिएट होती है, और बहुत मतलब इसको एक डेफिनेटली आपको पता है एक क्रिकेट में जो क्या बोले मेला टाइप का बन जाता है, और T20 वर्ल्ड कप है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान 5 साल बाद T20 मैच खेल रहे हैं, हालांकि ODI मैच खेले थे इंडिया और पाकिस्तान लास्ट टाइम 2019 के वर्ल्ड कप में खेले थे, इंडिया जीता था वो मैच, और T20 वर्ल्ड कप में भी लास्ट टाइम इंडिया जीता था। भारत पाकिस्तान से हारा है लास्ट मैच, वो भी 2017 के फाइनल में, उसके बाद से भारत एक भी मैच नहीं हारा है, उसके बाद से भारत ने खेले हैं मैचेस भी शायद कम खेले हैं, लेकिन वो मतलब एक ही मैच खेला है शायद 2019 में, उसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा कि खेला है कि नहीं खेला। एशिया कप खेला होगा शायद, एशिया कप खेला होगा, एशिया कप में खेला है 2019 में एशिया कप हुआ था, हाँ वहाँ पर भी दो मैच हुए थे, दोनों मैच हारा था ये अपना ये पाकिस्तान हारा था। तो दोस्तों आपको बता दूँ इस मैच की जो टीम है मेरे हिसाब से टीम होनी चाहिए, आपने देखा KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये 3 फिक्स हैं, सूर्य कुमार यादव चौथे फिक्स हैं, कीपर मुझे ईशान किशन, मैं ऋषभ पंत से पहले इनको रखना चाहूँगा, ईशान किशन को मैं टीम में रखना चाहूँगा, मुझे लगता नहीं है ऋषभ पंत का वो फॉर्म है, ऋषभ पंत हालांकि फॉर्म में है लेकिन वो वाले ऋषभ पंत नहीं दिख रहे जो IPL में पुराने IPL के सीजन में दिखा करते थे। उसके अलावा फिर मैं हार्दिक पांड्या को लूँगा और रविंद्र जडेजा, ये तो मेरे फिक्स प्लेयर हैं। बॉलर में मैं लूँगा भुवनेश्वर कुमार बुमराह, और तीसरे बॉलर मेरे होंगे भरण चक्रवर्ती, और उसके अलावा आप बताइए आप किसको टीम में रखना चाहेंगे, अभी भी 2 या 3 प्लेसेस बच रही हैं। मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर को टीम में रहना चाहिए क्योंकि वो एक ठीक ठाक ऑलराउंडर है, हालांकि अगर शार्दुल ठाकुर की बैटिंग की ज़रूरत भारत को पड़ गई तो डेफिनेटली फिर तो हम खराब पोजिशन में होंगे, तभी इन जैसे प्लेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बताइए आपकी टॉप 11 क्या होगी जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ होगी, और मेरे हिसाब से जो अभी यूजी चहल को टीम में नहीं लिया गया ये बहुत गलत डिसीज़न है क्योंकि उसे लेना चाहिए था। हमारे पास अब केवल एक ही लेग स्पिनर है राहुल चहर, हालांकि वो अच्छा बॉलर है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी UAE में फॉर्म अच्छी नहीं रही है, हो सकता है शायद 10 दिन में फॉर्म वापस आ जाए नेट्स में बॉलिंग कर करके, लेकिन यूजी चहल बड़े मैच का अनुभव है, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेला था, हालांकि उसमें अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, 60 रन दिए थे लगभग और एक विकेट लिया था उस स्लो स्कोरिंग मैच में,
और बहुत सारे मैच खेले हुए हैं, तो शायद यूजी चहल को रहना चाहिए था डेफिनेटली। अब अक्षर पटेल को बाहर करके एक ही चेंज किया है, शार्दुल ठाकुर को अंडर लाए। मेरे हिसाब से हर्षल पटेल को भी टीम में रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत मतलब मुझे वो इंडियन वर्जन डीजे ब्रेबो लगे हैं, मतलब जो बॉलिंग में वेरिएशन है उनको मारना बहुत कठिन हो रहा है यूएई में, तो उनको भी रहना चाहिए था। लेकिन अब जो भी है हो चुका है, कुछ नहीं चेंजेस होने वाले हैं, अब फाइनल यही है। आपको क्या लगता है भारत की टीम इलेवन क्या होगी पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान की टीम इलेवन सिंपल फिक्स है, वहाँ पर बाबर आजम, रिजवान और इसके अलावा होंगे जो मलिक, हफीज़, और इसके अलावा शायद इस ये शादाब खान को खिलाएं, और जो एक और वो लेफ्ट आर्मर है क्या नाम है उसका, कुछ मुझे एक्चुअली उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी बॉलर फिक्स रहेगा, और शायद यही उनकी टीम रहेगी। अब देखते हैं उनके में क्या चेंजेस होते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान के मैचेस के रिकॉर्ड आपको पता है, भारत वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है, लेकिन ये क्रिकेट है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, आपको प्रेजेंट में अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा होता आ रहा है तो ऐसा होगा, डेफिनेटली हमें उस दिन अच्छा खेलना पड़ेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपकी प्लेइंग 11।